क्या आपने कभी पक्षी को गाना गाते हुए सुना है? क्या आपने कभी मुजा पहने हुए पक्षी को देखा है? क्या आपने कभी फुदक के चलने वाला पक्षी को देखा है? आज आप लोगों को ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे पक्षी को देख पाते हैं, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नंबर टेन पे आप लोगों को दिखाने वाले हैं काकापो। तो काकापो जो है ये उल्लू की तरह देखने वाला पक्षी जो है बहुत ही रियर है। और काकापो जो है इसका नाक देखिए तोते की तरह ही है, लेकिन जो है ये उल्लू की तरह भी देखता है। मैक्सिमम जो है इसका लंबाई बोले तो 25 इंची तक जो है इसका लंबाई होता है। और जो है ये बहुत ही रियर होता है। ये जो पक्षी है ये उड़ नहीं सकता, लेकिन जो है फुदक फुदक के चल सकता है। फुदक फुदक चलने से जो है शिकारियों का खाना ज़्यादातर बनता है, इसलिए जो है यह ज़्यादा नहीं है, 211 ही बचा हुआ है। और ये जो पक्षी है ये पक्षी न्यूजीलैंड में जो है आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और जो है इसे घायल अगर हो जाए तो इसे जो है ट्रीटमेंट भी वो लोग ही करते हैं ताकि ये बचा रहे, खाना और पानी भी देते हैं। नंबर 9 सुपर लाइट बर्ड। ये जो है दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी है। ये जो है बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। ये जो पक्षी है ये 3 बातों के बारे में बहुत फेमस है। इसकी जो लंबे पूंछ हो गया बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और जो है एक गाना भी गाता है बहुत अच्छी तरह, नकल भी करने के लिए बहुत अच्छा। आप लोग सोच रहे होंगे तोते की तरह ही तो नहीं, तो ये पक्षी जो है कबूतर की थोड़ा जो है कबूतर की तरह ही दिखाई देता है। ये नकल करने में बहुत माहिर है। सुपर लायर्ड बर्ड जो है इसी खासियतों की वजह से इसे पहचाना जाता है। लेकिन जो है ये पक्षी अभी बहुत संकटों में जो है फंसा हुआ है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा गाना गाता है और जो है ज़्यादा आवाज़ करने की वजह से जो है ये शिकारियों को पता चल जाता है और शिकारी मार के खा देता है। इसीलिए नंबर 8 ऑरेंज बेलेड पैरेट। तो ये जो पक्षी है पूरी दुनिया में जो है नायाब पक्षी है, बहुत ही कम दिखाई देता है। ऑरेंज बेलेड पैरेट, तो इस तोते को क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता है क्या? क्योंकि इन पक्षियों के पेट के नीचे थोड़ा ऑरेंज कलर है। इस पक्षियों की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक जो है लंबाई होता है। और बात करने के लिए जो है थोड़ा साउंड जो है मुंह से तरह तरह निकाल भी सकता है। ये जो पक्षी है ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है ज़्यादातर जंगलों में दिखाई देता है। ये तोता जो है बहुत ही रेयर है। नंबर 7 पे सुपर बर्ड पैराडाइज। सुपर बर्ड पैराडाइज इसलिए बोला जाता है, ये जो है पक्षी पूरा काला रंग है देखिए आप लोग, लेकिन जो है इसके गले के नीचे थोड़ा नीला कलर है देख सकते हैं आप लोग, तो इसीलिए जो है बहुत ही सुपर लगता है देख। ये मेल पक्षी जो है फीमेल को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत ही ज़्यादा जम करते हैं, मतलब डांस भी करता है आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो पक्षी है इसी कला के लिए ये फेमस है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डांस भी करता है। न्यू गिनी में पाए जाने वाला पक्षी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा घट रहा है। ये जो पक्षी है बहुत ही कम दिखाई देता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। नंबर 6 गेटर सेस क्राउस। तो ये जो पक्षी है आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही कम दिखाई देता है। ये जो पक्षी है नॉर्थ अमेरिका का सबसे ग्रेट पक्षी है। अगर आप लोगों को देखना है तो नॉर्थ अमेरिका जाना पड़ेगा आप लोगों को देखने के लिए। ये जो पक्षी देख रहे हैं आप लोग पाँव से लेके सभी जो है इसका थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। ये जो है पक्षी से जो है दूसरा पक्षी से बहुत अलग होता है। ये जो है हल्का तोते की तरह का कलर होता है, थोड़ा ब्लैक होता है। और जो है इसका पंख भी है आप लोग देख सकते हैं। अगर इस पक्षी को आप लोग देखना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका में आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर कॉमेंट करना ये पक्षी कैसा है। तो नंबर 5
क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड। क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड जो है ये देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है ये दुर्लभ पक्षियों में जरूर आता है, क्योंकि जो है इसका मेल पक्षी जो है वो आगे की तरफ फूला लेता है और उसका लंबे चोंच भी देख सकते हैं, और जो है फीमेल जो है थोड़ा वाइट होता है आगे की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए अपने पंख को जो है ज़्यादा फैलाते हैं और जो है चोंच को हिलाते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पक्षी है वो मैक्सिमम जो है 1.5 kg तक जो है होता है, 1.5 kg। और साइज़ के बारे में बताएं 45 इंची तक जो है ये बढ़ सकता है। फीमेल बर्ड जो है वो मेल बर्ड से थोड़ी बड़ी होती है। क्रिसमस आइलैंड और फ्रिगेट बर्ड की जो है संख्या जो है दिन ब दिन जो है घटता जा रहा है, मतलब शिकारियों का हाथ लग चुका है। नंबर 2, विक्टोरिया क्राउन विजन। विक्टोरिया क्राउन विजन को आप लोग देख रहे हैं, ये पक्षी जो है बहुत ही रेयर है। ये पक्षी जो है मोर की तरह ही इसके माथे पे जो है थोड़ा ताज बना हुआ है, विक्टोरिया किंग की तरह। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये पक्षी जो है इसीलिए बहुत ही रेयर माना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा है इसको देखने के लिए। ये पक्षी जो है ज़्यादातर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये बहुत ही रेयर माना जाता है, मतलब बहुत ही कम है, तो इसीलिए जो है दिखाई नहीं देता है। ये इसका पंख में जो है अलग अलग कलर का जो है लगा हुआ है। ये जो है न्यू गिनी और जो है इसके आसपास ही दिखाई देता है ये पक्षी, तो बहुत कम है। नंबर 2, तो हम लोगों का यहाँ का मोर, तो मोर को कैसे भूल सकते हैं, हम लोगों का राष्ट्र पक्षी है। मोर जो है दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है, तो इसे कैसे भूल सकते हैं। तो दिन ब दिन जो है ये भी घटता जा रहा है, ये इसीलिए घट रहा है, इसका पंख जो है बहुत ही डिमांड है, इसीलिए ये कमती होता जा रहा है। इसे जो है आप लोग देख भी सकते हैं, वो भी साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये ज़्यादा मिलता है। ये हरे रंग का मोर जो है बहुत ही सुंदर लगता है देखने के लिए, तो ये राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत ही अच्छा लगता। जरूर आप लोग कमेंट भी करें कैसा लगा। तो मिलते हैं नंबर 1, तो सेक्रेटरी बर्ड जो है आप लोगों ने काफ़ी सारा सबसे अनोखी पक्षियों में सेक्रेटरी बर्ड का नाम आना तो बहुत जरूरी है। सेक्रेटरी बर्ड जो है ये नाम के साथ पूरा मेल खाता है, इसे जो है किलर क्वीन भी बोला जाता है। तो ये बर्ड जो है बहुत ही अलग टाइप का जो है शिकार करता है, ये जो है किंग कोबरा को भी शिकार करके खा ही लेता है। ये जो पक्षी है भूरे रंग का थोड़ा होता है, थोड़ा काला होता है, थोड़ा सफ़ेद भी होता है। जितना पक्षी है सबसे जो है इसी पक्षी का पाँव जो है ज़्यादा लंबा है। ये जब चलता है तभी लगता है कि इसने काले रंग का मोजे पहना हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं इसका पाँव में मोजा पहना हुआ जैसा लग रहा है। तो आप लोग आज देखे हैं सबसे अनोखे पक्षी, तो आप लोगों को देख के बताना है कमेंट करके कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगा देख के। तो साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि और भी वीडियो बनाओ तो नोटिफिकेशन जल्द से आए।